कोर्ट परिसर में गैंगवार, पुलिस कस्टडी में हरियाणा के बदमाश को मारी 8 से 10 गोलियां। राजस्थान की नागौर कोर्ट परिसर में सोमवार को दिनदहाड़े गैंगवार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट परिसर के बाहर ही नागौर पुलिस के सामने शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को गोली मार दी, जिस कारण संदीप ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मालूम रहे कि संदीप नागौर की जेल में बंद था। फायरिंग की घटना के बाद कोर्ट के बाहर अफरा तफरी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस गैंगस्टर संदीप को कोर्ट में किसी मामले में पेश करने के लिए लाई थी। इसी दौरान काले रंग की स्कॉर्पियो में निकले शूटर ने एकदम गैंगस्टर पर गोलियों की बौछार कर दी। वारदात को देखते हुए पुलिस ने तुरंत नागौर के चारों ओर नाकाबंदी कर दी है। सभी वाहनों की गहराई के साथ जांच की जा रही है। घटना के बाद कोर्ट के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार संदीप बिश्नोई हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर और सुपारी किलर था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शराब तस्करी के साथ वह सुपारी किलिंग भी करता था, जिसने नागौर में भी एक व्यापारी का मर्डर किया था। नागौर कोर्ट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप शेट्टी को गोलियों से भूना, शेट्टी पर चलाए 8 से 10 गोलियां, SP राममूर्ति, ASP राजेश मीना मौके पर मौजूद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव।